नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। पंजाब के शिक्षा मंत्री मीत हेयर ने अचनचेत महालपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कों का दौरा किया। इस दौरान स्कूल के छात्रों ने पीने के पानी से लेकर अन्य समस्याओं के बारे में शिक्षा मंत्री को विस्तार से जानकारी दी और शिक्षा मंत्री ने भी छात्रों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हुए साथ चल रहे अधिकारियों को छात्रों द्वारा बताई सभी समस्याओं को पहल के आधार पर दूर करने के आदेश जारी किए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते शिक्षा मंत्री मीत हेयर ने स्कूल अकादमी खिलाड़ियों को बाहर से खाना खाने को मजबूर होना पड़ने पर कहा कि इसके लिए जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पूर्व सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में रेत बजरी को डकारने वालों से पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं हो रही। और क्या कहा पत्रकारों से बात करते शिक्षा मंत्री पंजाब मीत हेयर ने, आप भी सुने। तो मेरी एक बारी रिव्यू करने की चीज़ों की जिम्मेवारी बन रही है। सो मैं सारे कितने अच्छे कल इतने मालपुर नहीं, मैं उसको पहला रोपड़ भी जाके आया। कल भी मैं हॉकी स्टेडियम मोहाली स्पोर्ट्स क्लब से मोहाली हॉकी भी जो जो उसे कमियां पेशियां ने, चाहे पिछले समय से सरकार वाले पास रही ने, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, मुलाजिम होने के बावजूद, चाहे नीचे भी विजिट करके पता चलता है कि कई जगह जिते किदारी रखनी जाती है। असी सारे जो पुराने समय के सिस्टम चल रहे हैं वो जरा दुरुस्त करने लिए जरा ये प्रैक्टिस है जी साढ़े वाले शुरू की गई है। सो असी इतने भी इतों बाद साढ़े माझे दुआबे होर भी बड़ी जगह पर अगर विजिट करना कल अज नहीं आने वाले समय भी करा, क्योंकि लोगों ने बड़ा व्डा मैंडेट है जोड़ा वो आम आदमी पार्टी की दिता सरकार बनाई है। सो लोगों दिया उम्मीदा ने कि जोड़ा आने वाले समय से जोड़ा कुछ वक्रा जोड़ा होगा उम्मीदा पर ही असी खरे उतरना। जोड़ा साड़िया खेडा बहुत पछड़ चुकिया ने, जोड़ा पंजाब कदे मैं कहना भी अभी 18-20 साल पहला असं पहले दर्जे पर होंगे खेडा के पूरे हिंदुस्तान के अच्छ असं 17वें 18वें नंबर पर चले गए। तो कोई खेड पॉलिसी साड़ी नहीं, जो कोई खिलाड़ी बेचारे मेहनत करते अपने वाल बूते तुम्हारी मैडल ले आओ, और सरकार की उन्होंने वाल कोई बहुत ही पॉजिटिव जोड़ा रणनीति पिछले समय से नहीं रही। सो असी साढ़े जोड़े कोचेस है जोड़े अधिकारी है उन्होंने मिल रहे हैं, खिडारियों मिल रहे हैं, जिड़िया भी कमियां पेशियां ने उन्होंने दूर किया जाऊगा। तो पंजाब जोड़ा खेडा का म्यार वो दोबारा उच्चा चुका जाऊ भगवंत मान जी की अगवाई, पंजाब दोबारा अव्वल नंबर से जोड़ा खेडा के बच्चे। एक सर पहले 15 दिन की परफॉर्मेंस जी है उन्होंने रिस्पोंस पंजाब की जनता ने तुम्हें मैंडेट की तरह दिता, उस तो बाद दो मेजर एलीगेशन लगे आ सरकार के उत्ते, एक केजरीवाल साहब वालों मीटिंग लिया तो दूजा कल अकाली दल के सुखबीर बादल जी ने लाया भगवंत मान जी के शराब का। जो बेसलैस एलीगेशन इतों बिना इन्हों हो कुछ नहीं मिल रहा, इन्हों एलीगेशन लगते ना चिट्टे चाहता सी कोई पंजाब का रेता खा गया, कोई इतों बजरी खा गया, स्कॉलरशिप के घोटाले किए साढ़े चो ठीक है क्योंकि पोलीटिकल साढ़े ओपोनेंट ने कोई उन्होंने कमेंट करना है, पर कोई एक रुपए का दोष ना पिछले समय से जब तो सरकार बनी है। सो लोगों ने सानू इस करके मैंडेट किया कि पंजाब जो बेईमानी जी है वो दूर होगी। आहो हूँ मैं इतने ही आया गा अज हूँ इन्होंने दसिया कहते जी ठेकेदार है वह जो मैस का साल तो वो कोई टेंडर है तो बच्चे रोटी खा के जाके आए है कि जेडे इतने है गुरुद्वारे तो वह टेंडर कर नहीं दिता सर क्योंकि इदू पहला कि खेड मंत्री नहीं सी, कोई चैक ही नहीं किया गया, कोई इदा के लोगों की कार्रवाई नहीं की गई। सो अज असी इतने आए हैं जिड़िया भी कमियां पेशियां चाहे एजुकेशन ने चाहे जोड़ा सा स्पोर्ट्स विंग है वो ने सारिया दूर किया जाऊगा। इमानदारी हर सरकार का जोड़ा फील्ड है वो काम किया जाऊगा। लोगों ने बहुत उम्मीदा के नाल सरकार बनाई है, लोगों के उम्मीदा से खरे उतर दे दिन रात जो एक करा मानता। एक लास्ट क्वेश्चन सर, 300 यूनिट लिए बड़ी बेसब्री नाल पंजाब की जनता इंतजार कर रही, क्या 16 तरीक न भगवंत मान जी जे कर रहे ऐलान है, क्या यू समझिए आप भगवंत मान जी साढ़े मुख्यमंत्री है उन्होंने ऐलान करना 300 यूनिट हो गए चाहे जेडे होर भी असी कोई भी जेडे दूसरिया पोलीटिकल पार्टीज की तरह जिड़िया पुरानिया रवायती पार्टियां सी उन्होंने वागू साड़ी राजनीति नहीं रहेगी भी भाई
बूहे आई गल बिन्नो कुड़ी के कन भी जो आ गई वोटा दो तीन महीने पहला उदो नौकरियां भी कढ़ दो उदो कर्जा माफ़ी कर लग जाओ उदो बिजली भी सस्ती कर दो क्योंकि पता होंगे किसी चीज़ की इंप्लीमेंटेशन होनी नहीं कुछ कोर्ट स्टे हो जाऊगा कुछ पांच चार महीने वैसे प्रोसीज पूरा कर लग जाते हैं वो सारा कुछ केवल ड्रामेबाजी है पर भगवंत मान जी की अगवाई से जदों तो आम आदमी पार्टी सरकार बनी है असी पहले दिन तो हूँ तक कोई नेड़े वोटा नहीं ना असी नवीं भर्तियां कढ रहे हैं असी कच्चे मुलाजम पक्के कर रहे हैं असी जो हम कोई बिजली आ होर भी जो भी असी होने असी जिन्ने वादे किए हैं सारे पूरे करांगे ये कोई वोटा वाला स्टंट नहीं होता कोई नेड़े वोटा भी नहीं पर जो भी अनाउंसमेंट होगी ये कोई वोटा के मद्देनजर नहीं असी लोगों को सूझ दे रहे हैं भगवंत मान जी की अगवाई च सारे जेड़े आने वाले समय च फैसले पंजाब के। श्री हलचल के लिए महालपुर से दीपक अग्निहोत्री की रिपोर्ट।